गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट जो कि है 2011 यानी कि नवंबर 2021। इंग्लिश वर्कशीट नंबर है 113। मैरीगोल्ड यानी कि इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, अ लिटिल फिश स्टोरी यानी कि एक छोटी मछली की कहानी। ये आपको पेज नंबर 38-39 पे मिल जाएगी। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, स्माइल एंड शाइन, उठो और जगमगाओ। देयर आर मैनी मिलियन फिशेज इन द सी। बच्चों, समुद्र में बहुत सारी करोड़ों फिशेज यानी कि मछलियाँ होती हैं। बट डू यू नो दैट द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। पर क्या आपको पता है कि ब्लू व्हेल, ये जो है ये मछली है ब्लू व्हेल, इसका नाम है ब्लू व्हेल, ये सबसे बड़ी मछली है। आवर स्टोरी इज अबाउट अ वेरी स्मॉल फिश। हमारी जो स्टोरी है अ लिटिल फिश स्टोरी, ये एक छोटी मछली के बारे में है, स्मॉल फिश के बारे में है। रीड द स्टोरी, अभी स्टोरी आपको पढ़नी है। अ लिटिल फिश स्टोरी है जिसका नाम बाय NSB कॉमस्टॉक, ये NSB कॉमस्टॉक ने लिखी है। फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आप ये स्टोरी पढ़िए अपनी बुक में से और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैं ये स्टोरी पढ़ती हूँ और आप ही अपनी बुक, इंग्लिश की बुक निकाल के इसको रीडिंग करनी है। ये देखिए, जब आप इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 38 निकालेंगे, ये रहा, तो आपको मिलेगी ये स्टोरी जिसका नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट डैट। बच्चों, सी यानी कि समुंदर में, समुंदरों में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, मिलियंस ऑफ फिश होती हैं, पर हमारी जो स्टोरी है एक उस मछली के बारे में है जो बहुत छोटी है, ये रही, एक स्मॉल फिश के बारे में है, एक लिटिल फिश के बारे में है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। अब इस छोटी मछली के पास सब था जिससे वो खुश रह सकती थी, कंटेंटेड यानी कि पूरा संतुष्ट रह सकता था ये जो मछली है। पर यह खुश नहीं था। यह मछली खुश क्यों नहीं था, देखते हैं। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर यह खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। आप लोग हंसोगे अगर मैं आपको बताऊं ये खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वह दुखी था क्योंकि ये बहुत छोटा था। सोचिए, यह फिश दुखी था क्योंकि ये बहुत स्मॉल था, इसलिए दुखी था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश। वो ये सोचता था कि ये कितना मुश्किल है कि मैं इतना छोटा हूँ। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, ये वो हमेशा बोलता रहता था कि इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता, ये हमेशा यही बोलता रहता था। एंड ही सैड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। तो ये इतनी बार बोलता था कि उसको ये लगता था कि यही, मतलब ये जो छोटी फिश था
उसको ये लगता था कि अगर वो थोड़ा बड़ा होता तो वह खुश होता, और उसको यही सच लेने लग गया था कि वो खुश नहीं है क्योंकि वो अभी छोटा है। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही व्हेन सडनली विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। बच्चों एक दिन वन डे ही वो स्विमिंग वह तैर रहा था किसके साथ, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल यानी कि जो मछली का ग्रुप होता है उसको स्कूल बोलते हैं, उनके साथ मछली के अपने ग्रुप के साथ तैर रहा था पानी में और सोच रहा था वही कि अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो कितना अच्छा होता, यही सोचते हुए तभी अचानक से विद नो वार्निंग यानी कि अचानक से ही क्या आया, बहुत सारे नेट, बड़े बड़े नेट यानी कि जाले आ गए और वो सब उसमें फंस गए। देखिए किस तरह वो सब फंस गए इतने बड़े बड़े जालों में। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। एकदम से वो लोग फड़फड़ाने लग गए और पानी को इधर उधर फेंकने लग गए क्योंकि नेट को, जो नेट था जिसमें वो सब थे, कोई बाहर की तरफ खींच रहा था जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। अभी जो मछलियाँ हैं ये तो पानी के अंदर रहती हैं और इनको दिख रहा था कि बाहर सूरज की रोशनी की तरफ ही खींचे चले जा रहे हैं, यानी कि वो जो नेट है जिसने भी वो पकड़ा था वो बाहर की तरफ ले जा रहा था। एंड जस्ट एज इट्स नेक्स्ट पेज हॉल वाज बीइंग एम्प्टाइड इनटू द बोट द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर हाउ गुड इट फेल्ट। तो जैसे ही वो उसको खींच रहे थे तभी जो छोटी मछली थी, जो छोटी हमारी फिश था स्टोरी का, वो एकदम से जाले में से बाहर निकल गया क्योंकि जो जाले का था, जो जाले के छेद थे, देखिए ये रहे, वो इतने बड़े थे कि वो छोटी मछली को बंद कर ही नहीं पाए और वो उनमें से आराम से निकल गया। और जो बाकी के इसके दोस्त थे या इसके साथ जो मछलियाँ थी वो बहुत बड़ी थी, वो जाले में फंस गई और वो बाहर नहीं निकल पाई। तो यानी कि ये छोटी फिश जो थी हमारी कहानी में फिश था वो बाहर निकल पाया क्योंकि वो छोटा था। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो हर जगह तैरने लग गया। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश। तो वो खुशी के, उसको इतनी खुशी हुई और वो इधर से उधर तैरने लग गया और जो उसके साथ जो और मछलियाँ थी उन्होंने देखा कि पूरी लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी में उस लिटिल फिश ने शुक्रिया अदा किया हमेशा कि वो छोटा है और कभी भी अपने बारे में ये नहीं बोला कि मैं छोटा क्यों हूँ। मतलब वो खुश था, थैंकफुल था कि वो छोटा है। तो देखा बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल मिलता है कि हमें जैसे हम हैं हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हर कोई यूनिक है, किसी न हम सब में कुछ ना कुछ खास बात है और इसीलिए हमें इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें उस चीज़ को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें किसी और के जैसे बनने का नहीं सोचना चाहिए,
हम जैसे हैं उसी में बहुत अच्छे हैं और उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। जिस तरह थी हमारी स्टोरी का लिटिल फिश, जो इसको बाद में पता चला कि वो छोटा है तो वो अच्छा है। तो बच्चों ये थी स्टोरी, अपनी बुक में से भी आप रीड करिए, ठीक है। अब ये स्टोरी रीड करने के बाद हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है हाउ मैनी फिशेस आर देयर इन द सी, हमने देखा ये इधर भी दिया हुआ है मिलियन फिशेस, तो क्या आ जाएगा देयर आर मिलियन फिशेस इन द सी, वाई वॉज लिटल फिश अनहैप्पी, लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज स्मॉल, तो पूरा अच्छे से लिख देंगे बिकॉज ही वॉज स्मॉल, वो छोटा था तो इसलिए वो दुखी था। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश इन द एंड, लास्ट में जब कहानी के अंत में वह शुक्रिया अदा उसने क्यों किया, वो खुश क्यों था कि वो छोटा फिश था, क्योंकि वो जाल में से बच गया था, बिकॉज ही डिड नॉट कॉट बिकॉज CAUSE he did not get caught he did not catch by the net, यानी कि वह नेट में नहीं पकड़ा गया इसलिए वह खुश था। उसके बाद अगला है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोविंग स्टोरी और फॉलोविंग फ्रॉम द स्टोरी अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी कि दुखी होना, तो इसका अपोजिट क्या है हैप्पी और नथिंग, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, और उसका अपोजिट है एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। उसके पास सब कुछ था लिटिल फिश के पास, पर फिर भी वह खुश नहीं था। इन द स्टोरी यू केम अक्रॉस द वर्ड कंटेंटेड विच मीन्स सेटिस्फाइड, नाउ ट्राई टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड कंटेंटेड, तो बच्चों कंटेंटेड वर्ड से आपको खुद सेंटेंस बनाना है। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, तो आप लिख सकते हो आई एम कंटेंटेड बिकॉज आई हैव एवरीथिंग, आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड, या कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद ये है डियर चिल्ड्रन यू हैव रेड द स्टोरी, आपने स्टोरी पढ़ ली है, नाउ लुक एट द ग्रिड गिवन बिलो केयरफुली, नीचे जो ग्रिड दी गई है इसे देखिए, एंड न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन इन इट, न्यू वर्ड्स स्टोरी से इधर दिए गए हैं, राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, नीचे जो स्पेस है इधर लिखने हैं, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक लिखा हुआ है ये है स्प्लैश, स्प्लैश यानी कि पानी को पे जब हम हाथ मारते हैं तो कैसे छींटे बाहर आती हैं, तो उसे बोलते हैं स्प्लैश। दूसरा है ये रहा वार्निंग, वार्निंग यानी कि चेतावनी, कैसे बिना किसी चेतावनी के ही नेट ने मछलियों को पकड़ लिया था। उसके बाद और वर्ड ढूंढिए, मैशेस, एम ई मैशेस यानी कि ग्रुप, जो मछलियों का जो ग्रुप था। उसके बाद रिगल, रिगल डबल जी एल ई, ये भी न्यू वर्ड है। इसके साथ ही टाइड, टाइड भी एक न्यू वर्ड है, पकड़ लिया था नेट में, बंद गए थे वो लोग। और हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ स्टोरी में से वर्ड्स देखने हैं।
ये रहा मिलियन, यानी कि लाखों मछलियाँ थी वहाँ पे, मिलियन। तो ये हमने लिख दिया, आप ही और कोई वर्ड आपको दिख रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि समुद्र के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली, केकड़ा, ऑक्टोपस आदि। बच्चों को इन जीवों के चित्र बनाकर उन पर कोई कहानी या कविता लिखने के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। और COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि 6 फीट यानी कि 2 यार्ड्स की दूरी बनाकर रखनी है। तो अच्छे से ये आज की वर्कशीट कीजिए, और कोई भी समस्या आए तो मुझसे ज़रूर पूछिए। टेक केयर।